वही बवाना थाने में साहिल से पूछताछ की जा रही है। अभी उससे हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया जाना बाकी है जो रिठाला में फेंका गया था, और पुलिस उसके परिवार समेत तमाम लोगों से सवाल कर रही है। साहिल के फोन से भी काफी सबूत मिल सकते हैं। साहिल की निशानदेही पर आलाए कत्ल बरामद किया जाना है। चाकू साहिल ने रिठाला में फेंका था। साहिल का फोन पहले ही बरामद किया जा चुका है। फोन से काफी सबूत मिल सकते हैं। साहिल की बुआ ने उसके पिता को फोन किया था, इसी से पुलिस को साहिल की लोकेशन मिली। साहिल जैन कॉलोनी के इसी इलाके में अपने माँ बाप और 3 बहनों के साथ रहता था। मकान मालिक राम फूल से भी पुलिस सवाल करेगी कि साहिल के बारे में जानने की कोशिश करेगी। साहिल कब घर आता था ये भी मकान मालिक को नहीं पता। आता था, पड़ा रहता था घर में, पड़ा रहता। उसके दोस्त आते थे, कभी कोई नहीं आता था। तो कभी वो लगा था गुस्से वाला हो आसपास, कभी किसी जगह तो कुछ नहीं लगता था सर कि वो गुस्से वाला है, ना ही यहाँ कोई कुछ ऐसा काम किया। साहिल जिस इलाके में रहता था वहाँ उसके पड़ोसियों को भी यकीन नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। इस इलाके में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पे मुंडा नहीं है, इन्हीं के नाम से रहते हैं। यहाँ छिपाने को नहीं, साहिल के नाम से कोई छिपाने की कभी कोशिश, साहिल के नाम से यहाँ मशहूर, साहिल के नाम से। साहिल की जून 2021 में साक्षी से दोस्ती हुई थी और मई 2023 में उसने साक्षी का कत्ल कर दिया। कत्ल से पहले साक्षी नीतू नाम की इस महिला के घर में रहती थी जिसका पति जेल में है। नीतू को भी साहिल के बारे में पता था। मेरे को जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए उस लड़की से, लेकिन वो लड़की पहले से साहिल को जानती थी करीब 3-4 साल से। 3-4 साल से जानती थी। आपको मालूम था इसका? 3-4 साल नहीं सर, उस टाइम तो यार मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जब ये मेरे बिल्कुल क्लोज आ गई उसके बाद इसने मुझे बताया था कि दीदी साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। साहिल को बवाना थाने में रखा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साहिल को किसी बात का पछतावा नहीं। आज दिन में पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। बीती रात पुलिस अधिकारियों ने साहिल से पूछताछ की थी। अभी भी चाकू बरामद नहीं हुआ है जिससे कत्ल किया गया। हिमांशु मिश्रा, आज तक।